का वर्गमूल कितना होता है? वर्गमूल को बच्चों कैसे लिखते हैं? एंड रूट से मैं हूँ सुरेंद्र खिलेरी, चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं सर्वप्रथम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करना है, इसमें अपनी अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्या। सर्वप्रथम 2 से भाग करते हैं तो 144 भाग 2 कितनी बार गया? 7 बार और 2 बार। फिर 72 में 2 का भाग गया 3 बार, 6 बार। फिर 36 में 2 का भाग गया 18 बार। 18 में 2 का भाग 9 बार। 9 में आपने देखा कि 2 का भाग नहीं जा रहा है तो आगे 3 का भाग देखा 3 बार। फिर 3 में 3 का भाग आपका 1 बार। तो यहाँ पर आपका देखिए 144 के गुणनखंड के आगे 2 कितनी बार है? 4 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार है। हमें क्या चाहिए? इसका वर्गमूल करेंगे क्या? बिल्कुल सिंपल है। 2 समान संख्या का जोड़ा 1 बार यहाँ, 2 समान संख्या का जोड़ा 1 बार यहाँ, ठीक है। अब इनका गुणा कर देते हैं। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12। तो 144 का वर्गमूल हमें कितना मिल गया? 12 मिल गया। ओके, आसान है।